Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Meghwal, presenting to you today of Standard 5th subject English Grammar, and our today's topic is interjections. Okay, interjections are used to express emotions such as surprise or disbelief. It has no grammatical connection to any other word in the sentence. Interjection having no connection with grammatical to any or to any other word in the sentence. Sentence में कोई भी जगह पे ना कोई grammatical connection है या तो कोई भी word के साथ उसका connection नहीं होता है interjections का. इंटरजेक्शंस वो एक वर्ड ही होता है जो हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को, या सरप्राइज हम हुए हो या डिसबिलीफ हो हमारी, किसी के साथ हम एग्री नहीं हो रहे हैं, वो सब शो करने के लिए इंटरजेक्शंस यूज़ होते हैं. नाउ लेट्स गो टू द डेफिनेशन. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन मार्क. ओके, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हम, जैसे ही मैंने आपको समझाया पहले कि हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है और वो हमेशा उसके पीछे एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है. नाउ वी विल रीड दिस सेंटेंसेस. आउच, आई हैव हर्ट माई फिंगर. आउच, यहाँ पे देख रहे हैं कि आउच, यहाँ पे दुख की फीलिंग हो रही है, राइट? एक्सप्रेशन यूज हुआ है पेन का. ऊ, द रोड्स सो डर्टी. यहाँ पे रोड इज सो डर्टी, यहाँ पे इज का आई निकल गया है और उसकी जगह पे एपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज हुआ है. बट ऊ, ऐसे हम जो फीलिंग देते हैं तो वो डिस्गस्ट की फीलिंग है. डिस्गस्ट की फीलिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं शो करके. देन द लास्ट एग्जाम्पल इज हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच. ओके, तो ये एन्जॉयमेंट की फीलिंग है हमें बता रहे हैं ये वर्ड, ये जो इंटरजेक्शन वर्ड है. और आप देख रहे हैं कि सभी तीनों एग्जाम्पल में इंटरजेक्शन के बाद वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दिया गया है. नंबर 3 रूल इज, इन द सेंटेंसेस अबाउट द वर्ड्स आउच एंड हुर्रा एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ पेन, डिसगस्ट एंड हैप्पीनेस. सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. ओके, हियर आर सम मोर इंटरजेक्शंस. You can see here, wow, for admiration, wow, your wonderful job, you have done a wonderful job. Okay, alas, alas, ये feeling है sorrow की, दुख की. तो alas, I am lost in forest. Alas, I am lost in forest. Okay, hush, hush जो है वो feeling है request for silence. ऐसे हम कहते हैं ना, shh. टीचर आपको बताती है हश, डोंट टॉक टू मच. ओके, सभी इंटरजेक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन मार्क है. ब्रावो, वो अप्रूवल के लिए यूज होता है. ब्रावो रेना, यू आर राइट. ओके, एक्स, जो नेक्स्ट इंटरजेक्शन है वो है एक्स. वो किसके लिए? सो स्लाइट फियर, हम किसी से डरते हैं ना, उसके लिए वो यूज़ होता है. एक्स इट मूड, वो कोई भी अगर हम कुछ कीड़ा वीड़ा देख लेते हैं तो हम उसके लिए ये एक्स, दैट इज़ अ लिजार्ड. देन नेक्स्ट इंटरजेक्शन इज ओ. ओ फॉर सरप्राइज, ओ आई सी, ओ दैट्स अ वंडरफुल कार. ऐसे हम सरप्राइज के लिए ओ यूज करते हैं. नाउ यिप्पी, यिप्पी इज ऑल्सो यूज फॉर सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस. ओके, देन लेट्स यूज इन सेंटेंस, यिप्पी वी वॉन द मैच. ओके, देन लास्ट इज हे. हे किसी को बुलाने के लिए, किसी का अटेंशन हमारी ओर खींचने के लिए हम हे कहते हैं. ओके, कॉलिंग समवन फॉर अटेंशन, तो उसके लिए हम कहेंगे हे कम हियर, हे डोंट टॉक. हम ऐसे उसको ऑर्डर भी दे रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स मैच द इंटरजेक्शन एक्सरसाइज वी विल डू. मैच द इंटरजेक्शंस इन कॉलम ए विद सुटेबल सेंटेंसेस इन कॉलम बी. यहाँ पे हम मैच करेंगे. कॉलम ए में हमें इंटरजेक्शंस दिए गए हैं
और कॉलम बी में सेंटेंसेस दिए गए हैं तो हम उसके साथ मैच करेंगे। यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी बॉक्स में लिख दिए हैं। वाओ, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, राइट? वाओ, मैंने कभी ऐसी ब्यूटीफुल पेंटिंग नहीं देखी है। अलास, सेकंड वन है अलास, तो उसके लिए अलास द होलीडेज हैव कम टू एन एंड। अलास हम कभी यूज़ करते हैं सौरव बताने के लिए, दुख जताने के लिए, क्योंकि होलीडे अभी ख़त्म होने को है। ब्रावो, तो ब्रावो यूज़ होता है हमारी अप्रूवल देखने के लिए, तो हम उसके सेंटेंस के साथ ज्वाइन करेंगे। ब्रावो, यू हैव डन वेल। तो वो किसके साथ मैच होगा? योर सॉक्स स्मेल, किसी की तरफ से गंदी स्मेल आ रही है तो हम ऐसे कहेंगे योर सॉक्स स्मेल। आउच, नंबर फाइव, आउच विल ज्वाइन विथ दीज थॉर्न्स आर शार्प, किसी को लग जाती है, हर्ट हो जाता है, पेन होता है, तो उसके लिए आउच यूज होता है, तो आउच हम ज्वाइन करेंगे दीज थॉर्न्स आर शार्प के साथ। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये जो इंटरजेक्शंस है उसके बारे में हमने समझा और कहाँ पे ये यूज़ होते हैं और वो कौन से एक्सप्रेशंस या फीलिंग बताते हैं वो भी हमने देखा। और इंटरजेक्शन को सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रामेटिकल कनेक्शन है ही नहीं सेंटेंस में, वो आगे या पीछे कहीं भी यूज़ होते हैं, मोस्टली आगे यूज़ होते हैं। ओके, तो वैसे सेंटेंसेस, वैसे वर्ड्स जो इंटरजेक्शंस है वो हमारी फीलिंग शो करते हैं और हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।